आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मलमास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के लिए जी इसका पौराणिक आधार क्या है। देखिए, अधिक मास में पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया, उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार में कोई नर नारी पशु देवता या असुर मार न सके, वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का, वो ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से, उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी कि आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। ये उसका पौराणिक आधार है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।